रांची सरकार योजनाएं जबरन थोप रही है, हमारे गांव में कहां क्या बनेगा, उसे गांव वाले ही तय करें, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार की योजना बनाओ अभियान केवल खाना पूर्ति बनकर रह गई है, बोला जाता है। कुछ होता है कुछ, सरकार ने डबा बनाकर खेत को बर्बाद कर दिया। शौचालय बना दिया गया मगर उसमें पानी नहीं है, पत्थलगड़ी ग्रामीणों ने सिस्टम से हारने के बाद शुरू किया है ताकि शासन प्रशासन तक उनकी बातें पहुंच सके। उक्त बातें खूंटी जिला के जियोरी पंचायत का ग्राम प्रधान बिनसाय मुंडा ने राजभवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल द्वारा आयोजित 5वीं अनुसूची को लेकर बैठक के दौरान कही। बैठक में खूंटी के 6 प्रखंड के 5-5 ग्राम प्रधान एवं मुखिया ने अपने अपने विचार रखे। शिक्षा नीति ऐसी कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर चपरासी भी नहीं बन पा रहे। उन्होंने कहा 5 एकड़ की जमीन पर एक डीप बोरिंग जरूरी है जिससे किसान खेती कर सके, मगर एक भी डीप बोरिंग नहीं है, पुलपुलिया नहीं है। रानी फॉल के सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए मगर एक पुल नहीं बना, यह कैसा विकास है। शिक्षा नीति ऐसी है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा कर चपरासी भी नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा नीति और स्कूल की क्या जरूरत है। सभी कार्य संवैधानिक डे में होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े। नशा पूरे समाज को क्षति पहुंचा रहा है, बच्चों को हर हाल में शिक्षण संस्थान भेजना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। आंगनबाड़ी से लेकर महाविद्यालय तक को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने की सुविधा सुलभ कराई गई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य संवैधानिक डे में होना चाहिए, नियम कानूनों का पालन होना चाहिए, अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को जानना चाहिए, सभी समस्याओं का मिलजुल कर निदान करना चाहिए। TAC सदस्यों के आपत्ति के बाद ही बिल को वापस किया गया। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार की नियम यथावत लागू